नमस्कार, मैं राजकुमार कोरी सर्वोच्च दर्पण हिंदी न्यूज में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए चलते हैं खबर की ओर। समस्तीपुर के विद्यापति धाम में आयोजित विद्यापति राजकीय महोत्सव के मौके पर भी वित्त मंत्री विजय चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गुणगान करने से नहीं चूके। उन्होंने कवि विद्यापति के श्रृंगार रस से जुड़ी कविताओं में महिलाओं की महत्ता से नीतीश कुमार के महिला विकास से जोड़कर यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार कवि विद्यापति के सच्चे अनुयायी हैं। महिला विकास की बात की जाए तो देश ही नहीं आज पूरी दुनिया में नीतीश कुमार का नाम लिया जाता है। गौरतलब है कि कवि विद्यापति का जन्म मधुबनी जिले के बिस्फी ग्राम में हुआ था। उनके बारे में कहा जाता है कि वह भगवान भोले के इतने बड़े भक्त थे कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान उनके घर नौकर बनकर सेवा में रहे थे, लेकिन जब उन्हें अपना शरीर त्याग करने की इच्छा हुई तो वे गंगा के गोद में अपना प्राण त्यागने के लिए कहे इसी जगह पर बैठ गए और जिद पर अड़ गए कि जब वे इतनी दूर आ सकते हैं तो क्या माँ गंगा यहाँ तक नहीं आ सकती। और यही हुआ, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर से माँ गंगा यहाँ पहुँची और यह विद्यापति जी की निर्वाण स्थली बन गई। 10 साल से इसे राजकीय महोत्सव के तौर पर मनाया जाता है। समझिए, प्रतीक या भक्ति रस के लक्ष्य हमारे बाबा भोला तो इसी परिसर में विद्यमान है, और श्रृंगार रस पर अगर कोई कवि इतनी महीनता से इतनी बारीकी से लिखता है, रचनाएं करता है, वो समझ लीजिए कि उसके दृष्टि केंद्र में क्या होता होगा। श्रृंगार कौन करती है? महिलाएं करती है। तो महिलाओं को भी समाज के मुख्य धारा में महिलाओं से जुड़ी हुई विशेषताओं को रचनाओं के माध्यम से समाज में जागृत करने का जो उन्होंने प्रयास किया था, कितनी बातें आगे बढ़ी होंगी उस समय, समझिए महिलाओं के संदर्भ में। तो विद्यापति के आदर्शों को जिंदा रखना है तो भाई समाज में महिलाओं की इज्जत बढ़ानी होगी, महिलाओं को समाज में आगे बढ़ाना होगा। और आज देख लीजिए, नीतीश कुमार की सरकार इसकी भी पर्याय बन गई है। पूरे देश में कहीं महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो देश की तो बात छोड़ दीजिए, इसकी प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है। इसलिए सरकार प्रयत्नशील है और हम आप तो भाई बंधे हुए, मतलब नैतिक रूप से बंधे हैं समाज में विद्यापति के आदर्शों को जिंदा रखने।